हुआ है कि नहीं हुआ? ढेरी हुआ है, विकास बहुत कर दिया है। क्या क्या हुआ विकास? एकदम बिल्डिंग बना दिया है सबको को। हाँ हाँ, पूरा बिल्डिंग बन गया है, देख रहे हैं ना, बिल्डिंग बन गया। सरकारी बना है क्या? सरकारी ना देता है, इंदिरा आवास बिल्डिंग बनाने के लिए सरकारी छोर से नहीं आता है। मिला सब दे दिया है, घरे घर पहुंचा दिया। तो यहाँ के लोग मिजाज का बदलाव कर रही है या नहीं कर रही है? पूरे कर रहा है, तो बदलाव कर दीजिए। हाँ, पूरा दे हो। और भी कुछ लोग हमारे साथ मौजूद है। पांच सालों के विकास की पड़ताल करने के लिए हम आ पहुंचे हैं कटिहार के बराड़ी प्रखंड अंतर्गत सिसिया पंचायत में, और हम मौजूद हैं सिसिया चौक पर। यहाँ पे कुछ स्थानीय लोग हैं, हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे पांच सालों में क्या कुछ हुआ है विकास। पांच साल जो गुजरा मुखिया जी का टर्म रहा, हाँ। उनके कार्यकाल से कितना खुश हैं, कितना संतुष्ट हैं आप? कुछ विकास हुआ है? हाँ, हल्का विकास हुआ है। क्या हुआ? रोड बना है। बना है, हाँ। कैसे चाहिए मुखिया आप लोगों को? अभी जो डेली लोग उठा है तो कैसा चाहिए मुखिया आपको? मुखिया शिक्षित चाहिए, मुखिया कर्मठ चाहिए, मुखिया अच्छा बोल वाला चाहिए। श्याम शर्मा, आप ही इस पंचायत के ही हैं? हाँ। तो क्या लगता है, बदलाव चाहिए या नहीं चाहिए? हाँ, बदलाव तो चाहिए। बदलाव चाहिए, बदलाव चाहिए। कैसा चाहिए मुखिया? ये खूब बढ़िया मुखिया चाहिए जो पंचायत का विकास कर सकता है। पांच साल में कुछ विकास हुआ है? कुछ नहीं, कुछ नहीं, वो ठग के खा गया सब, समाप्त। विकास हुआ है? कुछ नहीं, ना गरीबों का ना अमीरों का, सब मिला के खा गया। कुछ कोई टाइत में कोई देखने वाला भी नहीं है। और क्या नाम आपका? जी, सुरेंद्र कुमार पद्दार। ये कौन सा जगह है? ये सिसिया पंचायत है, सिसिया हाट चौक। इसी पंचायत से हैं आप? हम्म। तो कार्यकाल जो रहा पाँच सालों तक का, हाँ। उस कार्यकाल कुछ विकास हुआ है आप पंचायत के? विकास तो हुआ है, लगभग 60-70% तो हमको दिख रहा है कि विकास हुआ है। विकास हुआ है? जी जी। अरे जी, यहाँ के लोग मिजाज का बदलाव कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? बदलाव, हाँ, तो बदलाव तो जरूर होगा। बदलाव कीजिएगा। हाँ। बदलाव करने का वजह? वजह देखिए, हर कैंडिडेट के पीछे कुछ न कुछ वजह होता है। और क्या इससे ज्यादा बोल पाएंगे कि चाहते हैं हम भी कि नया चेहरा आवे। नया चेहरा आप देखना चाहते हैं ना? जी। हुआ है कि नहीं हुआ? ढेरी हुआ है, विकास बहुत कर दिया है। क्या क्या हुआ विकास? एकदम बिल्डिंग बना दिया है सबको को। हाँ हाँ, पूरा बिल्डिंग बन गया है, देख रहे हैं ना, बिल्डिंग बन गया। तब? सरकारी बना है क्या? सरकारी ना देता है, इंदिरा आवास बिल्डिंग बनाने के लिए सरकारी छोर से नहीं आता है। हाँ, मिला सब दे दिया है, घरे घर पहुंचा दिया। तब? तो यहाँ के लोग मिजाज का बदलाव कर रही है या नहीं कर रही है? पूरे कर रहा है, तो बदलाव कर दीजिए। हाँ, पूरा दे हो। प्रजेंट मुखिया रहना चाहिए, क्योंकि विकास जहाँ तक संभव था किया सबका, और बारप्रीत के लिए भी जो भी किया हो सका, बाकी जो बच गया आगे से है कि इलेक्शन के बाद उसको दिया जाएगा, आगे से पदाधिकारी सब कहते हैं। लोगों से पूछते नहीं है आप? कोरोना काल कोई आए थे आपको देखने के लिए? कोई भी नहीं आया था। तो चुनाव में वोट मांगने आते, पूछते नहीं उन लोगों से आप? क्या पूछेंगे, दर्द दिया था, यहाँ तो सब ग्रामीण आदमी चुनाव लड़ रहा है, कोई बाहरी तो है नहीं। अच्छा। जितना भी व्यक्ति है सब ग्रामीण में है, सब एक ही जगह बैठना है, एक ही जगह उठना है, सब वही लड़ रहे हैं। कार्यकाल कैसा रहा पाँच सालों का, क्या कुछ हुआ आपके पंचायत में? हमारे पंचायत में जो भी विकास हुआ तो बढ़िया विकास हुआ है। बदलाव चाहिए या नहीं चाहिए? देखिए, अभी तक ये जनता के हाथ में ये कहा नहीं जाता है। आप मतदाता हैं इस पंचायत? जी सर, मतदाता। आप मत दीजिएगा। मत तो हमको डालना ही है। बिल्कुल डालना। और एक चीज बताएं कि क्या माहौल नहीं बता रहा कि हम बदलाव चाहिए या नहीं चाहिए, होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, कोई विकास किया या नहीं किया? बहुत सारे लोग बहुत सारी बात बोलते होंगे। हाँ, ये बात भी ठीक है। हम लोग चाहते है कि ऐसा मुखिया बने पंचायत में जो हमारे सिसिया में कांत नगर जाने के लिए, बकिया घाट जाने के लिए पुल नहीं है, उधर से आने में बहुत कठिनाई होता है, बारप्रीत में पुल चाहिए हम लोग को, सिसिया हाट के बगल नज़दीक में, उधर गांव में जाने आने के लिए, हम लोग को खेत उत में जाने के लिए हम लोग को रास्ता ही नहीं है, इसलिए वैसा मुखिया हम लोग को चुनना है जो कि एक ब्रिज पुल दे दिया। क्या नाम आपका? मेरा नाम विनोद कुमार सहनी है सर। तो आपने सुना यहाँ के जनताओं की क्या राय है। कुछ लोगों का कहना है कि नए चेहरे को देखेंगे, तो कुछ लोगों का कहना है कि वर्तमान के कार्यकाल से ही वो संतुष्ट हैं। अब देखने वाली बात क्या होगी, मतदान के बाद ही पता चल पाएगा, मतगणना के बाद ही पता चल पाएगा। अभी के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।